गांजा की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी को चांपा पुलिस ने हनुमान धारा के पास से किया गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी फरार। चांपा पुलिस ने हनुमान धारा के पास से गांजा की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा और बिक्री रकम 10,500 रुपए को जब्त किया है। एक अन्य फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। चांपा पुलिस के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान धारा के पास गांजा की अवैध बिक्री हो रही है। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी वीरेंद्र देवांगन के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा, बिक्री रकम 10,500 रुपए को जब्त किया है। मामले के एक अन्य आरोपी यश उर्फ पुल्लू फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र देवांगन और फरार आरोपी यश उर्फ पुल्लू के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B और 29 के तहत जुर्म दर्ज किया है और आरोपी वीरेंद्र देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चांपा पुलिस को सूचना मिली कि वीरेंद्र देवांगन नाम का व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है और बेचता है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम वहाँ पर दबिश दी और उसके कब्जे से 1.5 किलो गांजा जब्त किए हैं और एक अन्य आरोपी उसके साथ में संलिप्तता होने की बात आई है, उसके भी बारे में भी अभी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है। चांपा पुलिस इस मामले में 20 NDPS के एक्ट के तहत में कार्रवाई की है।